नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, किम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी प्यारी सी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और इन बैग्स के साथ मैं कहां जा रही हूं, आज ही आपको न्यूज मिल रही है अराउंड 3 साल के बाद कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूं अकेले, सोलो ट्रिप। फाइंड आउट मोर, एयरपोर्ट पे पहुंच के बताती हूँ। चलो जी, पहुंच गए हैं हम एयरपोर्ट और सामान निकाल लेते हैं। आज ऊपर था रश तो नीचे ही ड्रॉप कराया हमने पार्किंग एरिया में। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू सो मच, मुझे ज़्यादा मिस मत करना। है मेरा पूरा बुक कर, क्या अपना ख्याल रखना। चलो थैंक यू सो मच। मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट, चेक इन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और लकीली कुछ एक लोगों ने मुझे पहचान लिया और फास्ट चेक इन करने में मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गई, ये है शारजा एयरपोर्ट। यहाँ आके फास्ट ट्रैक पे मैंने ऑलरेडी चेक इन कर लिया है। स्टाफ बहुत फ्रेंडली था, उन्होंने मेरी मदद की। बोर्डिंग कार्ड ऑलरेडी मेरे हाथ में है। अभी मेरे पास 2 घंटे हैं एयरपोर्ट में घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए। ऊपर एक यहाँ पे फूड कोर्ट भी है जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स और बहुत तरह का खाना भी मिलता है। तो चलिए इस जर्नी को, मस्ती भरी जर्नी को करते हैं साथ में शुरू। स्टेशन वगैरह क्रॉस हो गई विद इन 5 मिनट्स, अभी 2 घंटे और किल करने हैं। मैं पहुंच गई हूँ शारजा की ड्यूटी फ्री, जो कि है डिसेंट साइज। काफ़ी कुछ यहाँ पे मिलता है, चॉकलेट्स हैं, अल्कोहल है, सिगरेट्स हैं, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। बट ऑफकोर्स एयरपोर्ट पे सब कुछ महंगा होता है। शॉपिंग तो एयरपोर्ट में कर नहीं सकती क्योंकि सब कुछ बहुत महंगा है, एक्सेप्ट फूड कोर्ट, जिसके बगैर हम कोई भी आई थिंक फ्लाइट पे चढ़ते नहीं हैं। तो ये है शारजा का फूड कोर्ट, जो कि खचाखच लोगों से भरा हुआ है। मैंने भी किसी से रिक्वेस्ट की, मैं क्या आपके सामने वाली सीट ली है, मैं वहाँ बैठ जाऊँ। तो यहाँ इंडियन खाना, मैकडॉनल्ड्स, कोस्ता कॉफ़ी, सब्वे, क्रिस्पी क्रीम डोनट्स, हर वैरायटी मिलती है। बट ऑफकोर्स मार्केट से महंगी। डोनल्ड्स भी पैक करवा लिया, वैसे तो एयर इंडिया बोल रही हूँ, एयर अरेबिया पे मेरा मील भी है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एक मील तो साथ लेके जाना चाहिए। गेट नंबर मेरा है 8, तो मिलते हैं वहाँ पे। सिक्योरिटी चेक के बाद मैं अपने बोर्डिंग गेट पे पहुँच गई हूँ। बोर्डिंग कार्ड दिखा दिया, पासपोर्ट दिखा दिया। मैंने सोचा था फ्लाइट थोड़ी खाली होगी तो शायद सो जाऊँगी, अपना ब्लैंकेट भी लेकर आई थी साथ में, पर पूछा मैंने स्टाफ से फ्लाइट ओवर बुक है। पे करना पड़ेगा और रेट्स जो हैं वो सारे इस मैगज़ीन में मेंशन हैं। सारी डिशेज इनके पास हैं, बेकरी आइटम्स हैं, हॉट फूड है, सैंडविचेस हैं, तो ये सारा कुछ आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखो चिप्स वगैरह भी है, सब कुछ है, चिप्स है, टी कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तो ये सारा सामान फ्लाइट से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। पानी की बॉटल भी 3 तरह की है, ये देखो। फ्लाइट पे चल रहे हैं 2 कार्ड्स। पहला कार्ड जो अभी क्रू मेंबर्स लेके निकले हैं, जो इस तरफ है, इस कार्ड के ऊपर वो खाना है जो लोगों ने ऑलरेडी सीट बुक करते हुए ऑलरेडी बुक किया है। तो एक लिस्ट होती है, नाम के आगे आपका लिखा होता है कि क्या खाना आपने ऑर्डर किया है, तो वो सबसे पहले आके उनको खाना दे रहे हैं, जैसे मुझे मिला है। सेकेंड कार्ड जो आ रहा है उसके ऊपर जो मैगज़ीन में आपको चीज़ें मैंने दिखाई हैं, जो बेकरी है, फूड सैंडविचेस हैं, या हॉट फूड है, या चिप्स है, कोक है, कोई भी चीज़ है, तो वो सेकंड कार्ड है जहाँ पे लोग पे कर सकते हैं कार्ड से या कैश पे कर सकते हैं। दे कैन बाय दैट स्टफ ऑन फ्लाइट।
थैंक यू गाइज, बाय बाय। वीज़ा अराइवल काउंटर पे पहुंची थी। अंदर जाने से पहले यहाँ पे बाहर इस तरह से ये बना हुआ है कियोस्क, और आपको आके फॉर्म भरना है एप्लीकेशन फॉर वीज़ा अराइवल। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दी है, लेकिन एक चीज़ ऑलमोस्ट मिसिंग थी, थैंक गॉड मेरे पर्स से निकल आई, वो थी मेरी लेटेस्ट फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ भी वाइट बैकग्राउंड की चाहिए, और पूरी इंस्ट्रक्शन सामने लिखी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। मिल गया, कितने सारे इंडियंस, कितने सारे और नेशनैलिटीज को विद इन लाइक 5 मिनट्स, दे आर सुपर सुपर फास्ट एंड क्विक। अभी मैं बस अपनी बैगेज बेल्ट नंबर 8 पे जा रही हूँ अपना बैग कलेक्ट करने के लिए। बाकी एयरपोर्ट में अगर आपने ऑन अराइवल वीज़ा लेना है तो आपको कैश ही चाहिए होगा, वो भी थाई बाट, कोई और करेंसी नहीं। 2200 थाई बाट मेरे लगे हैं एग्जैक्ट, एंड सुपर स्पीड के साथ फटाफट से वीज़ा मिल गया, इमिग्रेशन क्लियर हो गया, एंड गुड टू गो। पहले हमेशा बैंकॉक में मैं टैक्सी लेके होटल की तरफ जाती रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ इनकी मेट्रो लेकर, मेट्रो स्काईलाइन MRT कुछ उसको बोलते हैं। सो लेट्स गो डाउन। लेने के लिए आपको आना है ऊपर, जब मेन एयरपोर्ट से आप निकलते हो बाहर तो वहाँ से आपको बेसमेंट की लिफ्ट लेके नीचे आना है। बेसमेंट में आई हूँ तो इधर लिखा हुआ था रेलवे, क्या लिखा हुआ था कुछ तो मैं भूल गई। पहुँच गई हूँ स्टेट रेलवे ऑफ थाईलैंड, ये ऑफिस है नीचे बेसमेंट में, जहाँ से आप इस तरह की टिकट ले सकते हो। इट्स लुक्स लाइक अ टोकन, ये मुझे जहाँ स्टेशन पे मैंने उतरना है वहाँ तक के मुझे सिर्फ पड़े हैं 45 बात, तो वहाँ उतर के दोबारा ट्रेन जब चेंज करूँगी तो अनदर लेना पड़ेगा। तो आई थिंक टोटल ट्रिप मेरा 100 बात से भी नीचे होगा ये वाला। ट्रेन में मैं बैठ गई हूँ, ओनली 45 मतलब बाट की टिकट मुझे अभी तक मिली नहीं हो रहा, सो कंफर्टेबल, रश भी नहीं है बिल्कुल, ऑलमोस्ट एम्प्टी है, बहुत ज़्यादा लोग वेट नहीं कर रहे थे। और बैंकॉक में ट्रैफिक भी काफ़ी मिलता है, तो ट्रैफिक भी अवॉइड हो जाएगा और टाइम से पहुँच जाऊँगी। और स्टेशन का नाम है जहाँ पर मैंने उतरना है थाया थाई, वहाँ से फिर मैंने लेन चेंज करनी है आई थिंक टू ग्रीन लाइन, एंड वो लेकर फिर मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचूँगी जिसका नाम है अशोक स्टेशन। सो मैं पहले स्टेशन पे उतर गई हूँ जिसका नाम है माकासान स्टेशन, क्योंकि मैंने ट्रेन से देखा बाहर तो मुझे वही अपना होटल और हॉस्पिटल नज़र आया। मैं कहा नहीं, फिर ऑल द वे आगे जाके घूम के वापस आने के बजाय मैं यहीं उतर जाती हूँ। अभी मैं बाहर जाऊँगी, टैक्सी लूँगी और होटल पहुँचूँगी। स्टेशन पे उतर के जैसे जैसे करके मैं बाहर निकली, और बाहर निकल के एक ही टैक्सी खड़ी हुई थी, और उस टैक्सी ने भी बोला कि नहीं मैं मीटर से नहीं चलूँगा, मुझे इतने पैसे दो, बहुत बड़ा जड़ा के बोल रहा था। मैं कहता नहीं, बैग ड्रैग करके मैं 2 सड़कें गर्मी में चल के आके मैंने फाइनली एक टैक्सी ली है, अभी होटल की तरफ जा रही हूँ। होटल में पहुंच गई हूँ, चेक इन काउंटर में बस अपना फॉर्म वगैरह फिल कर रही हूँ अभी, जबकि मैं सारी बुकिंग ऑनलाइन करके आई हूँ। यहाँ पे होटल्स में कुछ एडवांस आपका एज अ गारंटी रखते हैं चेकआउट के वक्त के लिए, मतलब चेक करके सारा बुकिंग वापस लेते हैं।
गुड, देयर वी गो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नथिंग चेंज्ड, ओनली कलर कॉम्बिनेशन। तो जी फाइनली मैं कल रात की चली पहुंच गई अपने कमरे में अकेली अपने सोलो ट्रिप पे। वाओ दैट्स ऑसम। और बाय द वे ये वही होटल है जिसमें जब मैं कैबिन क्रू होती थी तो इसी होटल में आके हम रुकते थे एज अ कैबिन क्रू, एज अ कैबिन मैनेजर। मैं इसी होटल में रुकती रही हूँ बहुत सारे साल, तो ये सारा एरिया मुझे कम्प्लीटली पता था। इसीलिए जब मैं यहाँ का ट्रिप बना रही थी तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा, मैं कि नहीं, अगर मैं बैंकॉक जा रही हूँ ना, मैंने कोई होटल कहीं पे बुक नहीं करना, मुझे यही होटल चाहिए बिकॉज आई नो दिस एरिया वेरी वेरी वेल। हाँ, व्यू इन्होंने बहुत अच्छा नहीं दिया है, मुझे व्यू थोड़ा सा ऐसे अटका सा दिया है, तो मैं फ़ोन करके पूछती हूँ कि कोई व्यू बेटर वाला रूम है इनके पास तो वो वाला दे देंगे। बाकी वी गोना हैव अ लॉट ऑफ मस्ती एंड फन, स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो नंबर 1 एंड होता है यहीं पे, वीडियो नंबर 2 का वेट कीजिएगा फ्रॉम बैंकॉक।